साथ को यहाँ से जाने के बाद घर में कठोरता के साथ अभ्यास करना, तब सही अनुभूति हो पाएगी कि आपको यहाँ से यहाँ आने पर यानी शिविर में क्या मिला। एक या दो दिन में अनुभूति नहीं हो पाती है, उसका कारण यही है कि चित्त पर अशुद्धता इतनी होती है कि योग बल या जो ये चैतन्य शक्ति है इसके प्रवाह की अनुभूति नहीं हो पाती है। जब अभ्यास के द्वारा आपका चित्त शुद्ध होगा, आप ज़्यादा अंतर्मुखी होंगे, मन ज़्यादा एकाग्र होगा, तब अनुभूति होगी अथवा अनुभव आएंगे। कुछ साधक ये भी सोच सकते हैं कि शक्तिपात तो किया गया मगर हमें अनुभूति क्यों नहीं हुई। अनुभूति इसलिए नहीं होती है क्योंकि उनके चित्त पर अशुद्धता की मात्रा ज़्यादा होती है। और कुछ साधकों को अनुभूति भी होती है, उनके चित्त पर अशुद्धता की मात्रा कम होती है। अशुद्धता कहते हैं तमोगुण या मलिनता को। ये स्वयं साधक के कर्म के द्वारा प्रकट होती है, यानी साधक जो अधर्म से युक्त पाप से युक्त जो कर्म करता है उससे उसका चित्त मलिन होता है। कारण साधक या कोई भी संसारी व्यक्ति अज्ञान से युक्त होकर संसार को अपना मानता हुआ कर्म करता रहता है। कर्म तो करता है, भले ही चाहे उसे भौतिक संसार में सफलता मिले, लेकिन उसके कर्माशय उसके अंतःकरण में बनते हैं। अगर सत्वगुण से संबंधित कर्म किया है तो सत्वगुणी संस्कार बनेंगे, तमोगुण से संबंधित अगर कर्म किया है तो तमोगुणी संस्कार बनेंगे। ये जो तमोगुणी संस्कार होते हैं ये तमोगुण की मात्रा चित्त के ऊपरी सतह पर बढ़ा देते हैं। तमोगुण का स्वभाव है अंधकार। तो ये जो हम शक्तिपात करते हैं चेतनमय शक्ति का, ये तमोगुण अवरोधक होता है और तमोगुण साधक के सूक्ष्म कोशिकाओं में व नाड़ियों में भर जाता है, इतना भर जाता है कि जो मैं शक्तिपात करते हैं उनकी अनुभूति ही नहीं होती है। ये किया गया शक्तिपात उस साधक के चित्त पर कहीं न कहीं विद्यमान रहता है और तमोगुण ज़्यादा आच्छादित हो जाने के कारण वो अनुभूति नहीं करा पाता है। जैसे दीपक को एक छोटे से घड़े के अंदर बंद कर दो तो बाहर अंधकार ही रहता है, अगर उस घड़े को से बाहर निकाल दो अर्थात जो उसका घड़ा रूपी आवरण है उससे बाहर निकाल दो तो उस दीपक का प्रकाश फैल जाता है। दीपक तो अपना काम कर ही रहा है, यानी चाहे घड़े के अंदर रहे चाहे घड़े के बाहर रहे वो तो जल रहा है अर्थात प्रकाश फैला रहा है। बस साथ को मैं तो अपनी ओर से समान रूप से शक्तिपात कर रहा हूँ। अनुभूति किस साधक को कितनी हो रही है अथवा नहीं हो पा रही है ये स्वयं की उसकी योग्यता है। तो साधक को आप ध्यान करते हैं, जो शेष साधक रह गए हैं संख्या में तो बहुत ज़्यादा हैं, अब उन पर शक्तिपात किया जाएगा। 5 बार ओम मंत्र का जाप करते हैं फिर ध्यान करेंगे। मेरे साथ मंत्र का जाप कराएं।
ध्यान कर रहे हैं। Thanks for watching. Remember to like, comment, and subscribe.